स्मृति नगर स्थित बालाजी हनुमान मंदिर पर चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण एवं भंडारे का आयोजन हुआ। सुपर कॉरिडोर स्थित पावा धाम मंदिर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कथा के आयोजक ओपी यादव व महंत श्री रघुनाथ दास जी द्वारा विजय दिवस महोत्सव के दौरान गरबा गायन वादन म्यूजिकल नाइट के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए सभी लोगों का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर शहादत को नमन कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजक ओपी यादव द्वारा कार्यक्रम में जो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया उनको नगद राशि से सम्मानित किया और वहीं भंडारे के आयोजन के साथ ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के साथ दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। शुरुआत इनने की थी, दिनेश भारती जी का सम्मान करें, मयूर पूरी टीम के साथ आ जाए, मयूर मयूर अपनी टीम के साथ आ जाए और अगर एक बात है कि पुरुष इनाम दे देना, ये चैंपियन अवार्ड और एक आपको पेन मिला कि नहीं मिला, बस क्यों पुरस्कार लेके आए थे क्या दूसरे? चलो ठीक है, अभी सभी को एक जैसे पुरस्कार दिए गए हैं। भैया की साचा दरबार की और ये प्रोग्राम हुआ था 25वें विजय दिवस के लक्ष्य में, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अच्छा कोई बच्चा बिना पुरस्कार के तो बच्चा नहीं, जो भी यहाँ पावर धाम में आए सब आज सबको मिल गया पुरस्कार, अब उतर जाओ। अब जितनी महिलाएं जल्दी से बस एक महिला को सपोर्ट थोड़ा थोड़ा हमारा अतिथि बहुत पीछे हो जाए। मायरे का दाइजा है, जल्दी आ जाओ माताएं। जो भी महिलाएं बची है, जो भी यहाँ पर आए सांत्वना पुरस्कार सबको यहाँ तक आने का, आप यहाँ पर आए हैं इसका पुरस्कार, सभी महिलाएं जो बच्ची आ जाए सबको मिले। हाँ माता जी को भी, हाँ चलिए अब अभी बहुत सारे पुरस्कार दे रहा है, ये पुरस्कार पार्ट वन, अब पहले डांस हो गया फिर पार्ट टू होगा। साथियों आपको पता है विजयनगर में महालक्ष्मी नगर है, वहाँ आगामी कथा गुरुदेव की होगी, उसके बाद संचार नगर में भी होगी और 21 मई में माता जी की पुण्यतिथि में जावरा में भी एक बड़ी भव्य कथा का आयोजन होना जा रहा है, वो तो कन्फर्म है। संचार नगर विजयनगर के भी जैसे ही यादव साहब परमिशन दे देंगे, डेट दे देंगे, तो कथा हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप सब परिवार आनंद ले, रोज आना है। और ये चूंकि पावा धाम है, हाँ हमारे मेरे बेटी जमाई जब दिल्ली से आए थे तो वो उद्योगपति है, काफी बड़ी पार्टी है, तो उनने कहा कि आप मेरे लिए भी, तो जब आप समय निकाल देंगे हम लोग दिल्ली जाएंगे बाई प्लेन, मैं यादव जी गुरुदेव और ये शर्मा बंधु लखन जी हम लोग और कमांडो साहब कहाँ, वो भी हम सब चाहेंगे और उनसे आग्रह करेंगे और नई दिल्ली में बहुत शानदार एक भागवत वहाँ पे भी होगी। अब जहाँ समय लेते पुरस्कार बाद में करेंगे, अब जो है जल्दी आ जाए भारती जी स्टेज पर आ जाए, शर्मा मैडम और दो मिनट ले आ जाए स्टेज पर, कोई छूटना नहीं है, जल्दी आ जाए। और साथियों मैं चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए तालियां बहुत जोरदार बनती है, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप, पर हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे 11 दिन तक जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का इतना अच्छे से आप सभी को श्रवण अमृतपान करवाया। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 महंत श्री रघुनाथ दास जी दादू महाराज के लिए दिल खोल कर जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपको, आपका सहयोग आपका आशीर्वाद इसी प्रकार यादव परिवार पर और पश्चिमी एरिया के जितने भी लोग हैं उन सब पर बना रहे। अरे चल रहे चल रहे। और जहाँ और डांस पॉइंट जो रहेगा उसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट।